भाइयों को इतना ही कहना चाहता हूं, ये 500 ग्राम की एक बोतल पूरी थैली यूरिया का विकल्प, केचुआ कुदरती खाद बनाता है। आप जब तरल यूरिया का छिड़काव करोगे तो भूमि किसी भी तरह से विषयुक्त नहीं हो। नई सहकारिता की इकाइयां लगेगी, वो सभी नई इकाइयों में अब टैक्स 26% की जगह 15% लगेगी। 5 साल के बाद इस देश में कोई पंचायत ऐसी नहीं होगी जहां पर प्राथमिक एग्रीकल्चर सोसाइटी नहीं होगी पैक्स में। हमने लगभग 300 सेवाओं पैक्स के साथ जोड़ने का कल निर्णय किया है और आईटी मंत्रालय ने इसमें सहकारिता मंत्रालय का बहुत बड़ा योग समर्थन किया है। श्री अवस्थी जी, उपाध्यक्ष श्री बलबीर सिंह जी और आज के कार्यक्रम में आए हुए सभी सहकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए बंधु भगिनी को मेरा नमस्कार। आज यहां पर बाबा की नगरी में एक बहुत बड़ा पुनीत कार्य अभी शुरू हुआ है। इफको नैनो के उत्पादन के संयंत्र की आधारशिला आज यहां पर रखी गई। एक तरल यूरिया जो है ये हमारे देश की भूमि के संरक्षण के लिए बहुत जरूरी है। मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री बने तब से भूमि संरक्षण को अपना प्रमुख मुद्दा बनाया है, चाहे प्राकृतिक खेती की बात हो, चाहे ऑर्गेनिक खेती की बात हो, चाहे नैनो यूरिया का अनुसंधान और उसके उत्पादन तक की पूरी प्रक्रिया को गति देने की बात। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने ये भूमि संरक्षण के सभी कामों को प्रायोरिटी दी है। यहां पर प्रति वर्ष लगभग 6 करोड़ यूरिया की, तरल यूरिया की बोतलों की निर्मित होगी। इसका मतलब है कि 6 करोड़ बैग यूरिया हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। वो भारत को खाद्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। मुझे आनंद है कि पहले कारखाने का जब लोकार्पण हुआ, सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ से, तब भी मैं वहां अतिथि विशेष करकर उपस्थित था और आज यहां पर जो देवघर में इस श्री भूमि में शुरुआत हो रही है उसमें भी मैं उपस्थित हूं। मैं आज के कार्यक्रम के माध्यम से किसान भाइयों को इतना ही कहना चाहता हूं, ये 500 ग्राम की एक बोतल पूरी थैली यूरिया का विकल्प। कई जगह पे किसान भाई यूरिया भी डालते हैं और तरल यूरिया का छिड़काव भी करते हैं। ऐसा करने से आपका क्रॉप का भी नुकसान करोगे और भूमि का भी नुकसान करोगे। जब तरल यूरिया का छिड़काव करते हो, इफको का गारंटी है आपका उत्पादन कम नहीं होगा, बढ़ेगा। जब किसान भाई तरल यूरिया का उत्पादन उपयोग करते हैं, बाद में यूरिया खाद जो घन खाद होता है उसको डालने की जरूरत नहीं है। नैनो तरल यूरिया का अनुसंधानी वो धरती माता के संरक्षण के लिए किया गया। ये केमिकल फर्टिलाइजर भूमि में जाता है और जब भूमि में जाता है
तब कैचुए को मार देता है। कैचुआ कुदरती खाद बनाता है। आप जब तरल यूरिया का छिड़काव करोगे तो भूमि किसी भी तरह से विषयुक्त नहीं हो। अगर हमने जल्दी से कृषि में से केमिकल का उपयोग और घन खाद का उपयोग को समाप्त नहीं किया तो दुनिया के कई देश हैं जहां पर केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से भूमि पत्थर जैसी सीमेंट जैसी हो गई, इसकी उत्पादकता 10% से कम हो गई। आज पूरी दुनिया में सबसे पहले इफको ने नैनो यूरिया बनाया, ये भारत के लिए तो गौरव की बात है ही, परंतु पूरे सहकारिता क्षेत्र के लिए भी गौरव की बात है कि किसानों की सहकारिता से बनी इफको ने दुनिया का सबसे पहला नैनो यूरिया ईजाद भी किया, बनाया भी, और अब डीएपी की ओर भी आगे बढ़ रहे। इस बजट में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए कई सारी योजनाएं लेकर आए। उत्पादन के क्षेत्र में सहकारिता पर 26% इनकम टैक्स लगता था, उसको कम करकर अब 15% पर ले आने का काम नरेंद्र मोदी जी। जितनी भी नई सहकारिता की इकाइयां लगेगी वो सभी नई इकाइयों में अब टैक्स 26% की जगह 15% लगेगा। इसके साथ साथ सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद हमने पूरे भारत के सहकारिता के डेटा बैंक को बनाने का काम किया है। अब ये चिन्हित हो गया है कि कौन सी पंचायत के अंदर पैक्स नहीं है, कौन सी पंचायत के अंदर डेयरी नहीं है, कौन सी पंचायत जहां संभावना होने के बावजूद मछुआरा कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है। ये सारी पंचायतों को हमने एक प्रोग्राम बनाया है इस बजट के अंदर, इसके लिए बहुत बड़ी राशि भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे इस देश में 5 साल में 2 लाख मल्टी डायमेंशनल पैक्स का रजिस्ट्रेशन होगा, जो अपने आप में कृषि धिरान का भी काम करेगी, दुग्ध की सहकारिता भी चलाएगी और मछली पालन की सहकारिता भी चलाएगी। तो 5 साल के बाद इस देश में कोई पंचायत ऐसी नहीं होगी जहां पर प्राथमिक एग्रीकल्चर सोसाइटी नहीं होगी, पैक्स नहीं होगी। ये बहुत बड़ा निर्णय है और इसके साथ साथ हमारे देश के अनुकूल न हो ऐसी भंडारण प्रक्रिया सालों से चली, बड़े बड़े गोडाउन बना दिए, राज्य में 1 या 2 जगह पे गोडाउन है, किसान की उपज चाहे गेहूं हो या धान हो वो गोडाउन में जाती है, गरीब को देना होता है तब गोडाउन से वापस गांव तक जाती है, आने में और जाने में जो खर्चा होता है वो गरीब को जितना फायदा सरकार देती है इसका 50% ट्रांसपोर्टेशन में चला जाता है। अब हमने तय किया है कि भंडारण को तहसील क्षेत्र से ऊपर नहीं करेंगे और सहकारिता के माध्यम से ही हर तहसील में 2000 टन से 5000 टन के भंडारण की क्षमता वाले आधुनिक से आधुनिक गोदाम बनाएंगे, तो किसान का उत्पाद तहसील सेंटर पर स्टोर होगा और तहसील सेंटर से ही मध्याह्न भोजन के लिए गरीबों को मुफ्त अनाज देने के लिए वो तहसील में ही चला जाएगा, जिससे लगभग 80% ट्रांसपोर्टेशन समाप्त होगा। और मुझे कहते हुए गर्व है जो बजट में हमने घोषणा की है, मोदी जी जो योजना लेकर आए हैं
वो विश्व की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव अन्न भंडारण योजना होगी। विश्व के किसी भी देश इतनी बड़ी क्षमता वाला अन्न भंडारण नहीं होगा, और इससे हमारे पैक्स जो है उनकी भी इनकम बढ़ेगी, वो बहुआयामी होंगे, वायबल होंगे, पैक्स बंद होने की कगार नहीं आएगी। अभी अभी हमने एक और निर्णय किया है, पैक्स को कम्युनिटी सेंटर के नाते कल से मान्यता दे दी गई। भारत सरकार और राज्य सरकार की 300 सेवाएं पैक्स पर से उपलब्ध हो गई। किसान को अपना 7x8 का दाखिला लेना है तो पैक्स से मिल जाएगा, नो ड्यू सर्टिफिकेट पैक्स से मिल जाएगा, जन्म की और मृत्यु की रजिस्ट्रेशन पैक्स पर ही हो जाएगी, एयर टिकट पैक्स पर बुक कर पाओगे आप, ट्रेन का रजिस्ट्रेशन टिकट बुकिंग पैक्स पर हो जाएगा। वहीं पर गांव में अगर बैंक नहीं है तो आपके बैंक अकाउंट से पैक्स से ही आप पैसा उठा पाओगे। हमने लगभग 300 सेवाओं पैक्स के साथ जोड़ने का कल निर्णय किया है, और आईटी मंत्रालय ने इसमें सहकारिता मंत्रालय का बहुत बड़ा समर्थन किया है। मुझे आशा है मित्रों, मैं बहुत लंबा बोलना नहीं चाहता, परंतु जिस तरह का इफ्को का किसानों की सेवा का इतिहास है, ये तरल यूरिया जो बनाया है न केवल भारत, विश्व के किसानों की सेवा करेगा। आज भी लगभग 5 देशों में वो एक्सपोर्ट हो रहा है, आज भी हमारे एशियाई देशों के किसानों की सेवा कर रहा है, और आने वाले दिनों में मुझे भरोसा है समग्र विश्व के किसानों की सेवा करने की क्षमता इसके में है। एक जमाना था जब हम यूरिया को इंपोर्ट करते, कई सारे कारखाने यूरिया के, घन यूरिया के भी मोदी जी ने पुनर्जीवित करे, और तरल यूरिया मानो यही एक छोटा सा 30 एकड़ में बना हुआ कारखाना 6 करोड़ बैग का निर्माण करेगा, 6 करोड़ बैग के विकल्प का एक छोटी सी बोतल में। किसान भाइयों को भी मैं कहना चाहता हूं, 10 थैली यूरिया लेकर जाना था तो बैलगाड़ी लेकर जाना पड़ता था ना भाई, ट्रैक्टर भी चाहिए था ना। अब एक थैली लेकर जाएगा, 10 बोतल रखकर खभे पे डालकर घर पे चले जाइएगा, कोई तकलीफ नहीं, आपकी भूमि भी संरक्षित रहेगी और आपका उत्पादन भी बढ़ेगा। मैं आज इफ्को के अध्यक्ष श्रीमान दिलीप सांगाणी जी, प्रबंध निदेशक दोनों को मैं बहुत बहुत मन से साधुवाद देना चाहता हूं। अवस्थी जी ने प्रोजेक्ट के पीछे बहुत मेहनत की है, मैं जानता हूं, लगभग 3-4 साल से मैं इनके संपर्क में हूं, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था तब से संपर्क में, बहुत मेहनत के बाद इसको अंजाम तक पहुंचा है, और मेरे लिए विशेष आनंद का विषय है कि इसका सबसे पहला कारखाना मेरे मत क्षेत्र में कलोल में लगा। तो वैसे ही मैं इफ्को के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और आज इफ्को वालों ने यहाँ मुझे बुलाया, ये बाबा देवघर की श्री भूमि में मुझे यहाँ पर ये पावन कार्य में आप लोगों ने सम्मिलित किया, इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, और बहुत बहुत शुभकामनाएं समग्र पूर्वी भारत के किसानों को भी देना चाहता हूँ, क्योंकि ये कारखाना न केवल झारखंड बिहार उड़ीसा और बंगाल के किसानों को अपनी खेत में उत्पाद बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी होगा, इसकी मुझे श्रद्धा है। फिर से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं, वंदे मातरम। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11 एंड 12 के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम हीनू एवं नगरा टोली रांची।